तमाम दोस्तों को जावेद इकबाल की तरफ से, अल मौज़ूम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की वीडियो हमारी 39 इंच 40 इंच पैनल है, चाइना ब्रांड का पांडा पैनल है। इसमें दोस्तों मीडिया डैमेज है और कस्टमर को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जान आप चला दें, हमें तो अपनी मेहनत से गर्ज है और देखते हैं दोस्तों कितनी मेहनत होती है और क्या होता है पैनल में, कैसे चलेगा। कस्टमर ने कहा था जैसे भी चलता है इसको चला दें, तो देखते हैं दोस्तों कैसे पैनल चलता है। चलते हैं वीडियो की तो ये तरफ। सैमसंग का पीस आया मेरे पास 40 इंच का। सबसे पहले पहले स्टैंड बाय से रिलीज़ करके हम इसका फॉल्ट, इसकी कंडीशन देखते हैं क्या है। ये देखे दोस्तों, पीस हमारा ऑन हुआ है और इसमें ये दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ से इसका मीडिया वाटर डैमेज हुआ है, ये देखे दोस्तों। और उसके बाद की कंडीशन दोस्तों इसकी ये है। इंशाल्लाह ताला आज इस पीस को ओके करेंगे दोस्तों। कोई दोस्त अगर हिम्मत लेके हमारे पास आता है कि वहाँ से ओके होगा, तो अल्लाह पाक भी काम में बरकत डालता है और वो काम ओके होता है। तो आज इंशाल्लाह ताला इस पीस को चलाते हैं, पीस को खोलते हैं हम। जी दोस्तों, पीस मैंने खोल लिया है, लेकिन दोस्तों को मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा एक बार कि दोस्तों इसमें शायद पानी पड़ा हुआ है। ये देखे दोस्तों, ये इसमें पानी पड़ा है, पानी की वजह से ये सारा जंग लग गया इसमें। और नीचे इसके हमारे एक आईसी भी है, उसका भी बुरा हाल हुआ है। ये गामा आईसी है और इसका भी दोस्तों बुरा हाल हुआ है, पानी नीचे तक चला गया इसमें। और ये देखे दोस्तों, ये सारे पानी की वजह से पैनल का क्या हाल हुआ है। और ये साइड हमारी क्लियर है, लेकिन इसमें दोस्तों पानी पड़ा हुआ है। आज इंशाल्लाह ताला फिर भी दोस्तों काम को करेंगे हम, कोशिश तो पूरी करेंगे ये पैनल चले। तो चलते हैं दोस्तों अगले काम की तरफ, पैनल को लैब में लेके चलते हैं हम। जी दोस्तों, ये पीस को मैं अपनी लैब में ले आया हूँ और ये दोस्तों सारा जंग से भरा हुआ है। आईसी को मैंने देखा है शीशे में, तो सारे जंग से भरा हुआ है दोस्तों ये। तो सबसे पहले दोस्तों ये कचरा वगैरह जो है, जंग लगा हुआ है, इसको नीट करेंगे या आईसी को नीट करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं केमिकल से पहले इसको साफ़ करूँगा, उसके बाद दोस्तों इसको देखेंगे। आईसी पूरा जंग से भरा हुआ है अभी तक, और जब तक ये साफ़ नहीं होगा हमें नहीं पता चलेगा ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें जंग लगा हुआ है, कहीं पानी पड़ा हुआ है इसमें। और चांस ले सकते हैं दोस्तों, हो सकता है कि ये साफ़ करने के बाद हमारे एसटीवी, सीकेवी और जितने वोल्टेज हैं ये आईसी वर्क करेगा हमारा, तो गामा आईसी तो फिर ही दोस्तों साइड को उसको वोल्टेज जाएंगे। सारा ये जंग से भरा हुआ है, वोल्टेज सारे बंद हैं, उसके बाद ही कंडीशन का पता चलेगा हमें क्या कंडीशन आती है इसकी। काफ़ी इसमें जंग लगा हुआ है इसी में, तो इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ताकि आईसी हमारा वर्क बिल्कुल ठीक करे। ये
दोस्तों मैं केमिकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने का, ताकि ये जंग वगैरह जो है ये सारा ख़त्म हो। ये जंग वगैरह ख़त्म होगा तो दोस्तों ये अच्छे तरीके से चलेगा। इसको थोड़ा सा टाइम दूंगा दोस्तों, मैं जंग काफ़ी लगा हुआ है। जी दोस्तों काफ़ी साफ़ हो गया ये। अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा एसीटोन लगा के साफ़ कर रहा हूँ, ताकि हम इसको बाद में चेक करेंगे। एक बार मैं बिल्कुल नरम हाथ रख के ब्रश से साफ़ करूँगा इसको। आईसी हमारा अभी भी जंग से भरा हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो एक बार मैं फिर से केमिकल का इस्तेमाल करूँगा ताकि टर्मिनल हमारे बिल्कुल साफ़ हो जाएं। ये दोस्तों सारा जंग नज़र मुझे यहाँ से, जो मैं माइक्रोस्कोप शीशे से देख रहा हूँ, तो बिल्कुल जंग ही जंग नज़र आ रहा है मुझे। इसमें पानी पड़ा हुआ है दोस्तों, पानी की वजह से ये सारा जंग लगा हुआ है, वरना इतना जंग लगता नहीं है। ये सारा पानी का ही कमाल है। जी दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक बार नीट क्लीन कर लिया है, मैं दोस्तों को दिखाना चाहूँगा। और अब दोस्तों हम इसको सप्लाई देके चेक करते हैं, ताकि हमें पता चले क्या कंडीशन आती है हमारी। जी दोस्तों अब इसको मैं सप्लाई देके ऑन करके देखता हूँ, इसके बाद दोस्तों अगला स्टेप लेंगे हम, क्या कंडीशन और क्या फॉल्ट आता है। जी दोस्तों अभी वैसे ही वर्टिकल बार बनी है दोनों साइडों से, ये दोस्तों नज़र आ रही हैं। तो हम अब क्या करते हैं दोस्तों, एक बार साइड जो कोफ है उसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। दोस्तों साइड चेंज करने से पहले एक बार मैं दोस्तों को दिखाना चाहूँगा कि हमारे वोल्टेज की क्या कंडीशन है, वोल्टेज बने कि नहीं बने। ये मीटर को हम इस साइड पे ले आते हैं ताकि मीटर के वोल्टेज का पता चले हमें। तो ये दोस्तों दो रजिस्टेंस सबसे ऊपर लगी हुई हैं, ये R808 और R9, ये दोस्तों जो R8 है ये हमारी है STV की, और जो R9 है ये CPV की है। तो R8 जो है ये STV की है, तो इस पे वोल्टेज हमें नहीं मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों R8 पे वोल्टेज कोई नहीं आए। CPV जो है इसके 2. कुछ वोल्टेज आएंगे दोस्तों, 2.5 है ये दोस्तों, 2.5 ये CPV है हमारा। तो इसका मतलब ये है कि CPV वर्क कर रहा है हमारा। तो ये दोस्तों
UD 2.0 Paul 1.6 ये दोस्तों काम कर रहे हैं हमारे। इसका मतलब ये है कि ये आईसी वर्क करना शुरू हो गया है। तो अब हम साइड कोफ को चेक करेंगे, साइड कोफ के वोल्टेज क्या कहते हैं हमें। जी दोस्तों हमारा फोकस अब साइड कोफ पे है, पैनल की साइड को मैंने चेंज कर लिया है और अब हम साइड कोफ के वोल्टेज चेक करेंगे। पीडीएफ का मुझे पता है इसकी पीडीएफ क्या है। जी देखो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले जो नीचे वाले दोस्तों ये 5 पॉइंट है हमारे, ये जो 5 पॉइंट हैं दोस्तों इसमें ये ऊपर वाला जो है ये एसटीवी का है, ये ओई का है, सीपीवी और एक्स ऑन। तो दोस्तों ये है कि ये जो ऊपर वाले पॉइंट हैं इनमें ये जो पहला पॉइंट जो वीजीएल का है, ये इस साइड का वीजीएल है हमारा। पी साउंड तो हो गया, मैंने वोल्टेज नहीं लगाए, मैं पहले इसकी एलवीडीएस चेक नहीं लगाया था मैंने, ये एलवीडीएस चेक आ गया मेरा। और पीस को दोबारा से हम ऑन करते हैं। जी दोस्तों ये पीस दोबारा से ऑन कर लिया हमने। ये दोस्तों जो ये वीजीएच है हमारा, वीजीएल सॉरी, ये वीजीएल वोल्टेज नहीं आए हमारे, ये वीजीएच है हमारा। वीजीएच वोल्टेज भी दोस्तों नहीं आए हमारे, 1.8 नहीं, यहाँ पे कम से कम 27-30 वोल्ट आने चाहिए। और ये VGL पॉइंट है हमारा और VGL वोल्टेज भी नहीं बने हमारे। तो पहले दोस्तों इसको VGL और VGH लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इनको VGL और VGH लगाते हैं हम। ये दोस्तों पैनल कर कर के मुझे ये पैनल तकरीबन ज़बानी याद हो चुका है अब। और पहले हम पॉइंट्स लगाते हैं, जी दोस्तों ये VGH और VGL पॉइंट मैंने लगा दिए हैं। अब हम आएंगे स्केलर पे, ये स्केलर है हमारी, तो ये स्केलर पट्टी आ गई हमारी। तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि ये पैनल कर करके अब मुझे तो ज़बानी याद हो चुका है इस पैनल का ये। तो दोस्तों इसमें ये मैं दोस्तों को भी वैसे चेक करवा देता हूँ, दोस्तों को चेक करवा देता हूँ, मुझे वैसे इसका ज़बानी याद है कि ये मैं पैनल को ऑन करता हूँ। दोस्तों ये हमारा VGL है और ये हमारा VGH है। ये पैनल को मैंने ऑन किया है, ये पैनल हमारा ऑन हो गया है। ये देखिए दोस्तों ये पॉइंट मैंने VGL बताया है, ये VGL आ गया हमारा -6 वोल्ट, ये देखिए दोस्तों -6 वोल्ट, ये पॉइंट हमारा VGL है। और ये वाला जो है ये पॉइंट हमारा VGH है, ये देखिए दोस्तों VGH 30 वोल्ट आ गए। तो हम क्या करेंगे, VGL और VGH लगाएंगे यहाँ पे। ये पॉइंट हमारा VGH है और ये पॉइंट हमारा VGH है। ये VGH आ गया हमारा और ये पॉइंट जो है ये हमारा VGL है। जी ये VGL है और इसको हम VGL पे ही लगाएंगे। ये नीचे वाला कैपेसिटर जो है ये VGL का है तो हम इसको VGL पे लगा देंगे।
ये विजर लग गया हमारा। और एक बार दोस्तों अब ऑन करके हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि पैनल की क्या कंडीशन आती है। वाह जी वाह दोस्तों, पैनल हमारा चल गया है। इसमें दोस्तों मैं दोस्तों को दिखाना चाहूँगा। जी दोस्तों, पैनल को मैं दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ दोस्तों को। पैनल हमारा चल गया है। ये देखो दोस्तों, पैनल हमारा चल गया है। ये दो लाइनें दोस्तों इसमें आई हैं, ये मोटी लाइनें ये आई हैं, और दूसरी साइड पे भी यहाँ पे लाइनें शो हुई थी मुझे। मैं दोस्तों को दिखाता हूँ ये वाले दोस्तों कोफ इसके ख़राब है, इस पर पानी पड़ा हुआ है, लेकिन पैनल चल गया है हमारा। ये देखे दोस्तों, पैनल ओके चल गया है हमारा। ये वाला कोफ इस साइड का और ये वाला कोफ दोस्तों दोनों नए लगेंगे, इसमें पानी पड़ा हुआ है, क्योंकि पानी की वजह से ये मसला आया है। एक बार मैं ये जग चेक करूँगा, लेकिन वो बाद की बात है। मैं दोस्तों को दिखाता हूँ अब। ये दोस्तों दो वायर जो है मैंने लगाई हैं, ये दो वायर लगाई हैं हमने, और पैनल हमारा ओके हो गया है, VGL और VGH। मैं दोस्तों को थोड़ा क्लियर करके दिखा रहा हूँ। जी दोस्तों, ये देखें, ये दो वायर लगाई हैं हमने, तो पैनल हमारा ओके हो गया है। दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे भी होते हैं, जैसे ये TP1 और TP2। एक बार पैनल को बंद करूँगा और दोस्तों को थोड़ा समझाऊँगा मैं। तो ये है कि दोस्तों, ये पैनल कर करके तो मुझे अब तजर्बा हो चुका है कि कौन से पॉइंट हमारे कौन से हैं। लेकिन ये देखें दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है TP1, ये TP403, TP404 और XON। ये XON ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों सिग्नल हैं। XON का मतलब क्या है? XON का मतलब दोस्तों एक्सरे ऑन है। जैसे अगर कोई दोस्त टीवी का काम करता रहा होगा, तो सैमसंग में एक पिन होती थी, 4 नंबर पिन सिस्टम IC में, 93-81 में, एक्सरे ऑन। तो वैसे दोस्तों ये एक्सरे सिग्नल है। एक्स ऑन का मतलब एक्सरे सिग्नल ऑन है। तो ये सिग्नल जाते हैं तो हमारी पिक्चर बनती है। सिर्फ दो पॉइंट ही मिस थे, VGL और VGH, बाकी तमाम सिग्नल जा रहे हैं साइड कोफ को। तो इंशाल्लाह ताला कभी दोस्तों वीडियो बनाऊँगा मैं पूरी इस पर, OE, XON, ये जितने भी नाम हैं इनसे क्या बनता है, इनकी डेफिनेशन क्या है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन दोस्तों उनको नहीं पता। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर भी। और पैनल हमारा ऑन हो गया दोस्तों, इसको मैं अब दोबारा से आपको चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों, पैनल को हमने मुकम्मल फिट कर लिया है। अब दोस्तों को मैं ऑन करके पैनल दिखाता हूँ। ये दोस्तों स्टैंड बाय से हमने रिलीज़ कर दिया है और ये हमारा पैनल ऑन हो गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं दो तीन चीज़ें दोस्तों को बताऊंगा। पैनल हमारा बेहतरीन चल गया, पैनल हमारा बेहतरीन चल गया, लेकिन ये दोस्तों मीडिया इसमें डैमेज था। ये दोस्तों को पहले बता चुका हूँ मैं कि यहाँ से मीडिया डैमेज है इसका, और ये कस्टमर को भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें भाईजान लाइनें आएंगी, यहाँ से लाइनें आएंगी। तो कस्टमर ने कहा था भाईजान ये चला दें आप। इस यहाँ पे मैंने दोस्तों को दिखाया कि सारा पानी पड़ा हुआ, पानी की वजह से दोस्तों इसका मीडिया कोफ ख़राब नहीं है, लेकिन मीडिया में पानी पड़ने की वजह से उसके सारे पेंट जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये वाली लाइनें भी नहीं जानी, और ये वाली तो वैसे ही इसका ये मीडिया जो वाटर डैमेज हो गया है इसकी वजह से ये नहीं जानी। तो बहरहाल पैनल हमारा ओके चल गया इंशाल्लाह। दोस्तों को काम की जो है वो रहनुमाई दोस्तों की होगी इंशाल्लाह ताला, बेहतरीन पैनल चल गया दोस्तों। पैनल हमारा ओके हो गया है। मीडिया डैमेज में, मीडिया जो वाटर डैमेज है उसमें लाइनें आई हैं, और जो उसमें पानी पड़ा है कोप में वो भी मीडिया ख़राब हो गया पैनल का, उसमें लाइनें आई हैं। पैनल हमारा बेहतरीन चल गया है इंशाल्लाह ताला, दोस्तों की रहनुमाई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए जावेद इकबाल को इजाज़त दे, खुदा हाफिज़।